आईपीएल मेगा ऑक्शन के पहले राइट टू मैच के नियमों को लेकर पूर्व भारतीय खिलाड़ी रविचंद्र अश्विन ने उठाए तीखे सवाल और उन्होंने क्यों बताया ये नियम अपवाद है खिलाड़ियों के लिए। इस वीडियो में हम जानने की कोशिश करेंगे दोस्तों, बिल्कुल ये नियम कुछ खिलाड़ियों के लिए ठीक हो सकता है लेकिन बाकी और खिलाड़ियों के लिए उतना बेहतर नहीं हो सकता है। मेगा ऑक्शन होने वाला है आईपीएल के पहले, ये बहुत ही बड़ा मेगा ऑक्शन होगा। ऐसे में खिलाड़ी रिटेन भी किए जाएंगे और रिलीज भी किए जाएंगे। रिटेन की जो पॉलिसी है उसको लेकर अभी तक बीसीसीआई की तरफ से जो खबरें निकल के आई है, सूत्रों की माने तो 4+2 यानी 4+2 चार खिलाड़ी रिटेन रह सकते हैं और दो खिलाड़ी राइट टू मैच कार्ड के तहत रख सकते हैं। दोस्तों ये दो बड़े अहम नियम होंगे खिलाड़ियों को लेकर कि कौन सी टीम में कौन खिलाड़ी खेलेगा और कौन सी टीम में कौन खिलाड़ी नहीं खेलेगा, ये फ्रेंचाइजी के मुताबिक, टीमों के मालिकों के मुताबिक। और ऐसे में ये बड़ा ही अहम हो जाता है कि जो जिस टीम से खेलता रहता है और फिर किसी और टीम में जाता है तो किसी टीम का कॉम्बिनेशन गड़बड़ा जाता है, उनका जो पहले का बेस रहता है वो काफी हद तक बदल जाता है। ऐसे में लेकर रविचंद्र अश्विन ने जो ये सवाल उठाया है इसको हम समझने की कोशिश करेंगे। पहले तो आपसे मैं ये बताना चाहूंगा कि राइट टू मैच होता क्या है। राइट टू मैच एक कार्ड के जरिए एक खिलाड़ियों को रिटेन करने की एक पॉलिसी है जो पहले आईपीएल में लागू किया गया था, हालांकि इससे पहले वाले आईपीएल में इसे लागू नहीं किया गया, यानी कि जो इससे पहले का ऑक्शन हुआ था। अब यहां पे मेगा ऑक्शन होने वाला है, ये 3 साल में एक बार होता है। ऐसे में कुछ नियम लागू होते हैं और कुछ नियम हटाए जाते हैं। राइट टू मैच कार्ड ये फ्रेंचाइजियों के लिए एक ऐसा अवसर देता है जिसके तहत जो खिलाड़ी उनके वर्तमान में खेले हुए रहते हैं और उनको रिलीज करने के बाद फिर से वो ऑक्शन में टेबल पे आते हैं बोली के दौरान, उनको फिर से रिटेन कर सकते हैं। कैसे, मैं आपको एक उदाहरण के तौर पे बताना चाहूंगा। मान लीजिए मिस्टर एक्स एक प्लेयर है और इससे पहले वो सनराइजर हैदराबाद के लिए खेले थे और वो ऑक्शन के टेबल पे आ गए हैं और जिनका बेस प्राइस अगर आप देखें तो 2 करोड़ है। ऐसे में मुंबई इंडियंस और केकेआर बोली लगाते हैं दोस्तों और वो बोली 6 करोड़ तक जाती है और वहां पे वो सोल्ड हो जाते हैं। लेकिन ऑक्शनर यानी ऑक्शनर जो होता है वो उनसे पूछता है जो इससे पहले के उसकी फ्रेंचाइजी रहती है, मान लीजिए कि हैदराबाद, तो वहां पे अगर जितने की बोली वहां पे लगी है यानी कि 6 करोड़ की, तो 6 करोड़ से सनराइजर हैदराबाद राइट टू मैच कार्ड के जरिए उनको वापस अपनी टीम में ले लेंगे। ऐसे में मुंबई इंडियंस और केकेआर को निराशा हाथ लगती है, चाहकर भी उस खिलाड़ी को अपने पास नहीं रख सकते हैं और खिलाड़ियों को भी लगता है कि जो मेरा बेस प्राइस था उससे बहुत ज्यादा नहीं मिला, क्योंकि जब वो ऑक्शन में आते हैं जो उनकी वर्तमान खेल में वैल्यू होती है उसके हिसाब से पैसा कम मिलता है। तो कहीं ना कहीं एक अच्छा सवाल उठाया है, इस पे सोचना एक जरूरी भी हो जाता है, लेकिन कुछ खिलाड़ियों के लिए फायदेमंद भी हो जाता है क्योंकि टीम भी यही चाहती कि उनके खिलाड़ी लगातार उस फ्रेंचाइजी से खेले और उस टीम का जो कॉम्बिनेशन है वो लगातार मेंटेन रहे। लेकिन वो खिलाड़ी जो मादा रखते हैं अच्छा खेलकर अच्छे पैसे कमाने के लिए, मुझे लगता है राइट टू मैच कार्ड उनके लिए बेहतर नहीं हो सकता है। अश्विन अपने बयानों के लिए जाने जाते हैं, अपने नियमों को उठाने के लिए जाने जाते हैं। अक्सर आप देखते हैं तो इंटरनेशनल मैच में भी एक नियम होता था पहले, माकंड का नियम, यानी कि आप बॉल डालते समय बॉल को रिलीज ना करें, उससे पहले आप रन आउट कर दें, यह अश्विन ने किया है। तो कुछ खिलाड़ी अपने नियमों को लेकर बड़े कड़े होते हैं, तो देखने वाली बात होगी कि आईपीएल मेगा ऑक्शन के पहले जो रविचंद्र अश्विन ने यह बयान दिया है, ये सवाल उठाया है एक इंटरव्यू के द्वारा, ये कितना अहम होगा। लेकिन इससे टीम फ्रेंचाइजियों के मालिकों को थोड़ी सी परेशानी हो सकती है, अभी देखने वाली बात होगी कितनी होगी। वीडियो कैसी लगी दोस्तों जरूर हमें बताइएगा, चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट करें।